को भी अभी यहीं आना था। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हर जगह देख लिया, कहाँ है ये? क्या करूँ, कैसे ढूंढूँ? उसे फोन करता हूँ। नहीं, उसका फोन साइलेंट मोड पे नहीं हुआ और वो किडनैपर्स उसके आसपास ही हुए तो फोन बजते ही पता लग जाएगा कि वो है कहाँ। उसे आवाज लगाता। नहीं नहीं, वो लोग भी तो उसका नाम जानते होंगे। यस, फुगी कह के बुलाता हूँ। ये नाम वो नहीं जानते। फुगी, 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 ये तो उनकी आवाज है। वो आ गए, वो यही कहीं है। फुगी, फुगी, जल्दी से उठा। सारा दिन मस्ती करता है, कुछ काम ना कुछ काज। चल तेरी घर में धुलाई करती हूँ। चल फुगी, फुगी। हवलदार जी। सर, इस एरिया की हर गली कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारो। देखो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। ओके सर। चला कर। हम भी वहां पे देखते हैं। चलो। हाँ। आजा यार, आजा। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं यार।
ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो तूने मुझे अर्जेंट बुलाया? एक मिनट, चल चल, देख ये इसे मारना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ये पतली मरियल जैसी लड़की को मारने के लिए मुझे लेके आयो? इसे मैं डांट दूं ना तो ये अभी मर जाएगी। अरे ये कोई मामूली लड़की नहीं है, रॉकस्टार अभी की बीवी है। और सुन, बहुत चालाक लड़की है, इसलिए तू ज्यादा उड़ मत, भाग गई थी बड़ी मुश्किल से हाथ आई है। इसके पहले कोई और नाटक करे पहुंचा इसको, चल मार जल्दी। अरे इससे मारेगा तू? गोली की आवाज सुन के इसका पति आसपास ही घूम रहा है, इधर आ जाएगा। इसे साइलेंसर कहते हैं, साइलेंसर। जब ये चलता है ना, इसकी आवाज नहीं गोली चलती है, गोली और भेजा उड़ा देती है। क्या किया तुमने? इसे क्यों बचाया? क्योंकि इसे मारना नहीं था। इसे नहीं मारना तो मतलब? तुम लोगों को मैंने सवाल करने के लिए नहीं रखा, समझे? सिर्फ काम करने के लिए रखा है। जितना बोलता हूं उतना काम क्या करो, समझे क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका पति यहीं घूम रहा है, कभी भी पुलिस वालों को लेकर यहां पर आ सकता है। इससे पहले कि वो आए, इसके हाथ पैर बांध कर इसे ले चलो। इसने मेरी जान क्यों बचाई? फुकी, 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 ये कहां चली गई? ना कहीं दिखाई दे रही है ना जवाब दे रही है। फोन कर लेता हूं। The number you are trying to call is currently switched off. Oh shit, switched off. कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता चला? शायद इंफॉर्मेशन ही गलत थी। ये एरिया भी इतना बड़ा नहीं है, हमने पूरा एरिया चेक कर लिया, लेकिन आपकी वाइफ कहीं भी नहीं मिली। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है कि बैंगल, ये बैंगल प्रज्ञा की है, और इस बैंगल का यहां होने का मतलब है कि प्रज्ञा भी कहीं आसपास है। अब इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दो, सारे रोड पर नाकाबंदी लगा दो, पूरे एरिया को सील कर दो। पूरा एरिया क्या मतलब? मतलब ये कि अगर प्रज्ञा उन किडनैपर्स के पास है ना, मैं नहीं चाहता कि वो किडनैपर्स यहां से बाहर निकले। जिसका डर था वही हुआ। भाई यहाँ से निकलने के दो रास्ते और भी हैं। आप बोले तो वहां से जा सकते हैं। कोई फायदा नहीं, वहां पर भी पुलिस होगी। एक काम कर, कोई ऐसे रास्ते पर लेके चल जहां पर भीड़ कम हो,
भाई यहाँ पास ही मेरे एक दोस्त की दुकान है जो काफी दिनों से बंद पड़ी है, हम वहाँ जा सकते हैं। हाँ ये ठीक होगा। गाड़ी को पूरा चल अब लोग मेन रोड चेक करते हैं। लेट्स गो। बहुत फर निकला है ना तेरे, उड़ के जाएगी तू यहां से। हाँ क्या सोच के भागी थी, क्या सोच के अपने पति को फोन किया था कि तू बच जाएगी, वो तुझे बचाने आएगा यहाँ पे। अब तो तू और बुरी फंस गई, तू यहाँ पे है ये हमारी गलती है, लेकिन तेरी गलती ये है कि तूने यहां से भागने की कोशिश की। अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही मिलेगी। मुखलस का बहुत हंसी आ रही है तुझे और तरस भी आ रहा है तुम्हारी शक्ल देखकर। तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया और डर तुम्हें खुद लग रहा है? मैं तुझे डरपोक लग रहा हूँ? लगते नहीं, तुम वाकई डरपोक। तूने मुझे डरपोक? शक्ल देखो अपनी, मेरे पति को सिर्फ देखने के बाद तुम्हारी ये हालत हो गई है। अगर वो वाकई तुम्हारे सामने आ गए ना तो तुम्हारी क्या हालत होगी? बहुत बोल रही है ना तू, बोल ले जितना बोलना है बोल ले, जितना तू बोलेगी ना उतना मैं तुझे तड़पाऊंगा, समझी? समझ तुम नहीं रहे, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखना, क्योंकि अगर मुझे जरा से भी खरोच आई ना तो मेरे पति तुम्हारे साथ क्या करेंगे इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अच्छा तेरा पति मुझसे हिसाब लेगा? मुझसे? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, खुद को सरेंडर कर दो। मेरे पति का दिल बहुत बड़ा है, शायद तुम्हें माफ कर दे। तेरे पति से मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो मुझसे माफी मांगेगा, समझी? ए, इसका मुंह बंद करो। कितनी देर तक बांध के रखोगे? मेरे पति मुझे बचा लेंगे यहाँ से और फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तुम जेल में सड़ोगे, मेरे पति मुझे छुड़ा लेंगे यहाँ से। मुझे ए मुन्ना, तू इसी एरिया का है ना, कोई ऐसा रास्ता बता कि हम सेफली निकल सके। हाईवे पर जाने के तीन रास्ते हैं, जिसमें दो रास्तों पर पुलिस का बंदोबस्त होगा, लेकिन कुछ ही किलोमीटर पर एक ऐसा रास्ता है जो मंडी से होकर फोर्ट तक जाता है, उसे बंद करना मुश्किल है, खतरा है, लेकिन हम लोग जा सकते हैं। ये सही होगा। एक काम करो, तुम लोग इसके पास बैठो, मैं उस रास्ते पर जाकर चेक करता हूँ कि सब सेफ है क्या। अगर सेफ रहा तो तुम लोग को फोन करूंगा, ऐसे ले आना, समझे? इस बार कोई भी गलती हुई ना तो मैं तुम लोग को ठोक डालूंगा, समझे? पूरब एक घंटे में कहीं वो किडनैपर यहां से निकलना चाहे। पूरब हमें कुछ करना होगा, हमें रास्ता ब्लॉक करना होगा, कुछ भी करके। देखो बराबर चेक करो, वो गाड़ी आ रही है। दादी, हेलो दादी। हेलो हेलो अभी क्या हुआ? प्रज्ञा मिली, कैसी है वो? जरा मेरी बात करा उससे। अभी क्या हुआ बेटा, तू चुप क्यों है? अरे बता ना दादी, वो अभी तक मिली नहीं, लेकिन आप फिक्र मत करो, वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। प्रज्ञा मिली नहीं? तुझे उसने बताया था ना कि वो कहाँ से बोल रही है? तो फिर वहाँ मिली क्यों नहीं? तू वहाँ पहुँचा है कि नहीं? दादी मैं वहाँ पहुँच गया था, लेकिन मेरे पहुँचने से पहले वो किडनैप उसे लेकर वहाँ से निकल गए। लेकिन दादी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा प्रज्ञा। तूने मेरे साथ वादा किया था ना, तू प्रज्ञा को लेके आएगा, तो बेटा तू अपना वादा निभा, कुछ भी करके प्रज्ञा को घर लेके आ बेटा। मुझे अपना दिया हुआ वादा याद है दादी, अब चाहे आपके आपके पोते को कुछ हो जाए, लेकिन आपकी बहू को कुछ नहीं होगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा दादी, मैं उसे सही सलामत वापस घर ले आऊंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हे वाहेगुरु, हे सच्चे बादशाह, मेरी बच्ची की मदद करो, मेरे दोनों बच्चे सही सलामत घर आ जाए, बस और कुछ नहीं मांगती तुझसे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कौन कर रहा है और वो चाहता क्या है? जो भी हो पर मैं दादी को क्या जवाब दूंगा? प्रज्ञा नहीं मिली तो किस मुंह से घर जाऊंगा?
पुलिस फोर्स को एक घंटा लगेगा, तब तक अगर किडनैपर्स प्रज्ञा को लेकर यहाँ से कहीं और चले गए तो कितनी पूजा करती थी वो तुम्हारी, पर बदले में तुमने उसे क्या दिया? अरे प्रॉब्लम तुम्हारी मुझसे है तो सजा उसे क्यों, मेरी नहीं तो उसकी तो हेल्प करो। अरे मैं भी किससे बात कर रहा हूं जो है ही नहीं, और वो करेगा क्या? रॉकस्टार अभी है ना? हाँ लग तो वही रहा है। ओ रॉकस्टार अभी, ए भाई अभी मुझे रोड पे परफॉर्म कर रहा है, ये तो मेरा आइडल है। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी अपने इंस्ट्रूमेंट निकालो। हमारा एक छोटा सा बैंड भी है, हमारा भी सपना है कि हम एक दिन आपके साथ परफॉर्म करें। अच्छा yes. तो फिर समझो कि आज तुम लोगों का लकी डे है, क्योंकि आज तुम लोगों का सपना पूरा होने जाएगा। अगर तुम लोगों ने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया ना, तो मैं तुम लोगों को अपने नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में लूंगा। हाउ लवली इज दैट? सो आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो। काफी स्मार्ट है अभी, जिस रोड को ब्लॉक करने के लिए हमें काफी समय और फोर्स की जरूरत थी, इन्होंने अकेले सिर्फ दो मिनट में कर दिखाया। इंस्पेक्टर साहब अभी ने तो अपना काम कर लिया, अब आप अपना काम करिए वरना उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। राइट शिंदे, चेकिंग शुरू करो, देखो एक भी गाड़ी छूटने पाए, जल्दी। गाड़ी क्यों रुकाया भाई, आगे ट्रैफिक जाम है। आगे ट्रैफिक जाम क्यों है? अरे वो जो अपना रॉक स्टार है अभी, आज उसका रोड शो है, बिना टिकट सब देखने को मिल रहा है, तो पब्लिक पागलों की तरह जमा हो रही है। ए सुन तो, शाना है हाँ, फ्री में गाने सुना रहा है पब्लिक को जानबूझकर ताकि ट्रैफिक जाम हो जाए। भाई इस ट्रैफिक में हम पूरी तरह से फंस गए, ना आगे जा सकते ना पीछे। ये क्या कर रही है? अरे मेरी बहू घर से गायब है, मेरे अभी का कुछ पता नहीं चल रहा, और तुझे टीवी की पड़ी है? क्या करे दीदी, कब तक चुप बैठे रहेंगे, वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सोचा कुछ देर धार्मिक चैनल लगा के मन को शांत कर लेते हैं। रॉकस्टार अभी, आप सभी ने उन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा, कभी किसी लाइव कॉन्सर्ट में तो कभी किसी म्यूजिकल चैनल पे। वो अपने रोमांटिक गानों और अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, पर आज जो वो कर रहे हैं ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, आज एक रॉक स्टार किसी स्टेज पे नहीं बल्कि अपने फैंस के बीच रोड पर खड़े होकर परफॉर्म कर रहा है, तो आइए देखते हैं उनका ये अनोखा अंदाज। ये रोड पे क्या कर रहा है? अरे ये तो प्रज्ञा को ढूंढने गया था ना। देखो अभी क्या कर रहा है, रोड के ऊपर कॉन्सर्ट कर रहा है। जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ए, एक काम करो, इसको बुर्का पहना के लेके आ जाओ। बुर्का? सबके सामने सेफली लेके जाना पड़ेगा इसको। लेकिन ये तो बेहोश है। ये तो और अच्छी बात है ना, ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा फड़फड़ करती है वैसे भी है। और सुनो, अगर कोई पूछे तो कह देना कि ये पेशेंट है, अपने आप रास्ता दे देंगे लोग, समझे? लेके जाओ। दिस इज योर लास्ट सॉन्ग फॉर द डे। Thank you.
शिट्स, मेरे ट्रिक काम कर गए। दादी दादी, आप ठीक हो ना? दादी दादी रिलैक्स, दादी मैं हूं ना। प्रज्ञा को घर लेके आ बेटा। हेलो भाई, आप क्या कर रहे? ऐसे बीच रोड के कॉन्सर्ट्स करते हैं क्या? ना कोई प्लानिंग, ना कोई सिक्योरिटी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? और आप ये सब कुछ किस टाइम पर कर रहे हैं? इस टाइम पर जब प्रज्ञा भाभी। अरे मैंने वो शो इसलिए किया था ताकि मैं उन किडनैपर्स को इस शहर से बाहर जाने से रोक सकूं। भाई वो किडनैपर पकड़ा गया क्या? अरे मैंने प्रज्ञा को ढूंढ लिया था। मैं उसके बहुत करीब था लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। वैसे भाई आपने किसी किडनैपर को देखा क्या? पता तो चले कि ये सब कौन करवा रहा है, कौन है सबके पीछे? अरे हमने एक किडनैपर को पकड़ लिया, अब उसी से हम बाकी किडनैपर्स का पता लगा लेंगे। वी ट्रेस एवरीवन। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई भाई आप बहुत स्ट्रेस साउंड कर रहे हो। आप एक काम करो, आप जल्द से जल्द घर पर आ जाओ। टीवी में वो आपका वो रोड साइड कॉन्सर्ट देखकर दादी भी बहुत परेशान हो गई है, और आप तो जानते हो आपके अलावा उन्हें और कोई नहीं संभाल सकता। सो प्लीज कम होम फास्ट भाई। आलिया मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। क्या भाई? भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे पति से बच नहीं पाओगी। कहना तो मुझे चाहिए प्रज्ञा जी कि तुम्हारा पति कितनी भी कोशिश कर ले मुझे नहीं पकड़ सकता। देखा नहीं तुमने, सारी पब्लिक की नजरों के सामने से तुम्हें उड़ा ले गया और वो कुछ नहीं कर पाया। वैसे एक बात बताएं, बहुत बड़ा फैन हूं मैं उसका। क्या गाता है हाँ, कमाल। पर सिर्फ उसकी आवाज अच्छी है, दिमाग नहीं। क्या लगता है तुम मुझे उनसे दूर ले आए? तुम नहीं जानते पल पल मेरे करीब आ रहे, पर एक बार उन्होंने मुझे ढूंढ लिया ना, फिर उनसे बचने के लिए ना तो तुम्हारा दिमाग चलेगा ना भागने के लिए पांव। अच्छा तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचाने आएगा? कमाल की बात है ना प्रज्ञा जी, ये प्यार भी अजीब चीज है, इंसान को समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। चलो देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। ये है तुम्हारी किस्मत, ये बताएगा कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता भी है या नहीं। अगर है जाया तो वो तुम्हें लेने आएगा, और अगर टेल्स कभी नहीं। कमाल हो गया ना, इसे भी पता है कि तुम्हारा पति तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम जानती हो कि उसके नहीं आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? प्रज्ञा तुम आप हैं तो उनकी पत्नी, पर एक बात तो है, उनका भी दिल किसी और पर आया हुआ है। वो मुझे नहीं मिली। तुझे मिलेगी भी कैसे? तूने दीदी से सारे झूठे वादे किए हैं, अभी तुझे शर्म आनी चाहिए। यहाँ हम सब लोग इतने परेशान हैं और तू वहां सड़कों पे गाने गा रहा है। हमें लगा था कि प्रज्ञा तुझे मिल गई है और तू इस खुशी में गा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तुझे तो अपने फैंस की खुशियां ज्यादा प्यारी थी, अपनी दादी की शाबाशी से ज्यादा तुझे अपने फैन की तालियों की गड़गड़ाहट पसंद थी। लगता है प्रज्ञा के गुम होने का तुझे कोई दुख ही नहीं है। तुझे अगर वो शो ही करता था तो फिर हमसे झूठे वादे क्यों किए? क्यों हमें सबसे दिखाया कि तू प्रज्ञा को लेकर आएगा? तुझे पता है हम लोग कितने परेशान है, और वो तेरी दादी खाना पीना छोड़ के बैठी है।
लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो अपना शो कर रहा है ना, जा अपने कमरे में बैठ और टीवी के आगे अपना वीडियो देख। ये क्या किया आपने दादी? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आपने अपने अभी पे हाथ उठाया। दादी आप जानती है सबसे ज्यादा टेंशन में इस वक्त वो है। उसने वो शो अपने फैंस के लिए नहीं किया था, उसने वो शो प्रज्ञा दी को ढूंढने के लिए किया था। दादी पुलिस ने कहा था कि किडनैपर्स प्रज्ञा दी को लेकर शहर से बाहर जा रहे। एक्स्ट्रा फोर्स को आने के लिए भी एक घंटा था। उसने बिना कुछ सोचे वहां सबके सामने कॉन्सर्ट किया ताकि वो रोड ब्लॉक हो जाए, ताकि पुलिस प्रज्ञा दी को ढूंढ सके। दादी उसने बिना कुछ सोचे अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये सब किया। उसके इतने फैंस थे वहां, उसका कोई दुश्मन भी हो सकता था। उसको कुछ हो जाता तो उसे किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने आप से ज्यादा प्रज्ञा दी के बारे में सोचा और आपने उसे। भगवान मैंने क्या किया? मेरा बच्चा ऐसे बहुत दुखी था और मैंने उसे और दुखी कर दिया। क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं। दासी ने बिल्कुल ठीक किया, मैं इसी के लायक हूँ। नहीं जीजू प्लीज ऐसा मत बोलिए। इनफैक्ट जो आपने दी के लिए किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता था। तो फिर प्रज्ञा मेरे साथ क्यों नहीं? क्यों मेरी फैमिली मुझसे नाराज है? क्यों मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया? बुलबुल अगर कोशिश करने से कामयाबी मिलती है ना, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की और सारी गलती मेरी है। मैंने वहां पर मेरे फैंस को जमा किया, वो मेरे फैंस जो मेरी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उन्हीं की वजह से मैंने प्रज्ञा को ढूंढा और उन्हीं की वजह से मैंने उसे खो दिया। लो, वो चश्मिश गई तो अभी बुलबुल आ गई। मतलब मुझे मेरे अभी के साथ कोई रहने ही नहीं देता। अब फिर से वेट करना होगा। हाँ माँ, बुलबुल प्रज्ञा के बारे में कुछ पता चला? माँ वो दी मैं आकर बताती हूँ। हेलो, मुझे माफ कर दो आंटी जी, मैं आपकी बेटी को नहीं ढूंढ पाया। मेरा मतलब है मुझे वो मिली थी लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। आंटी जी I'm sorry, सारी गलती मेरी। आपकी बेटी का नाम जुड़ा है मेरे साथ और मेरे ही किसी दुश्मन ने ना प्रज्ञा से अपनी दुश्मनी निकाली है। इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद भी मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे अपनी सही तस्वीर नजर आ रही है। मैं किसी काम का नहीं हूँ आंटी जी। ये नाम फेम पैसा पावर सब कुछ यूजलेस है आंटी जी। आई एम गुड फॉर नथिंग। नहीं नहीं बेटा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपने तो हमेशा सबको खुशियां ही दी, चाहे वो आपका परिवार हो, प्रज्ञा का परिवार हो या आपके फैंस हो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।